फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को पाठ्य योजना बनाने में दिक्कत होती है या फिर पाठ्य योजना में कोई क्वेरीज है आपकी कि किस चीज़ को कहाँ पर लिखना होता है, तो आप इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है पाठ्य योजना बनाते समय किसी भी प्रकरण के ऊपर, किसी भी क्लास का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे आराम से आप लोगों को समझा के दूंगा। और इस पूरी वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं और साथ ही साथ सुनते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ऐसी जनरल कोई क्वेरीज पाठ्य योजना बनाते समय नहीं रहेंगी। तो इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और ऐसी वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर मैं यहाँ पर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जिसके लिए सिर्फ आपको इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना बनाते समय पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे 28 लिखी है, तो इस पाठ्य योजना की संख्या 28 है। आपकी जितनी पाठ्य योजना की संख्या होगी, 2, 4, 6 जो भी है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं उसको। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना होता है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए गए हैं। उसके बाद पाठ्य योजना किस कक्षा के लिए बना रहे हैं, तो हमारी आज की जो कक्षा है वो कक्षा 2 है। वर्ग है अ, विषय है सामाजिक अध्ययन, उप विषय है भूगोल। और कालांश, यहाँ पे काफ़ी लोग इस वर्ड से परेशान रहते हैं। कालांश, कालांश का मतलब होता है पीरियड, किस पीरियड में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारी आज की जो पाठ्य योजना की कालांश है वो पंचम है, यानी कि 5वें क्लास में हम पढ़ाने जाएंगे। अवधि है 40 मिनट की। दिनांक आपको यहाँ पे इसलिए लिखना होता है जिससे पता चले कि आप किस दिन विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए गए थे, तो यहाँ नीचे आपको दिनांक भी लिखना होता है। उसके बाद बढ़ते अपने प्रकरण की तरफ। आप प्रकरण देख सकते हैं, हमारा आज का प्रकरण है हमारे खनिज और खाने। प्रकरण लिखने के बाद हमको लिखना होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यहाँ पे हेडिंग लिखने के बाद आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य में, जो कि आपके विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उससे संबंधित होता है। सामान्य उद्देश्य में आप मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों में सामाजिक विषय के प्रति रुचितपन करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों से परिचित कराना। चौथा पॉइंट है छात्रों का भूगोल विषय के प्रति रुचितपन करना। और पाँचवा है छात्रों को भूगोल का दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। अब सामान्य उद्देश्य के बाद, यहाँ पे 5 पॉइंट के बाद हम चलते हैं विशिष्ट उद्देश्य की तरफ। विशिष्ट उद्देश्य में आप ऐसे इस हिसाब से लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग। उसके बाद उसके सामने आप लिख सकते हैं व्यवहारगत परिवर्तन, कि आप शिक्षक होने के नाते बच्चों में किन किन चीज़ों का व्यवहारिक परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र विभिन्न खनिज पदार्थों एवं खानों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरे यहाँ पर हेडिंग डालना होता है बोधात्मक का। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र विभिन्न खनिज पदार्थों को पहचान सकेंगे। और तीसरा यहाँ पर हेडिंग होता है कौशलात्मक, जिसमें आपको लिखना है छात्र खनिज पदार्थों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य से। विशिष्ट उद्देश्य देख लीजिएगा, अगर वीडियो आप लोगों को लगे काफ़ी तेज़ी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो वीडियो को रोक लिया करिए, लिखने के बाद फिर से वीडियो को प्ले कर दिया करिए, बट पूरी वीडियो को ध्यान से सुना करिए, जिससे आप लोगों के जो भी क्वेरीज हैं यहाँ पर दूर कर सकूँ मैं। उसके बाद आपको हेडिंग लिखना होता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको उन सारी चीज़ों की यहाँ पे उन सारी सामग्रियों को यहाँ पे लिखना होता है जिसकी सहायता शिक्षण कार्य करते समय एज ए शिक्षक आप लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, संकेतक, विभिन्न खनिज संबंधित चार्ट आदि। अब शिक्षण सहायक सामग्री के बाद आपका हेडिंग आता है अपेक्षित पूर्व ज्ञान। अपेक्षित पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब अपेक्षित पूर्व ज्ञान को आप पूर्व ज्ञान भी लिख सकते हैं, और अपेक्षित पूर्व ज्ञान लिखेंगे तो थोड़ा देखने में और अच्छा लगता है। अब अपेक्षित पूर्व ज्ञान के बाद हम चलते हैं अपने लेसन प्लान के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान की जान होती है। जितनी अच्छी तरीके से आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे उतनी आसानी से आपका प्रकरण निकलेगा, और जितनी आसानी से आपका प्रकरण निकलेगा उतनी अच्छी तरीके से आपको नंबर्स मिलेंगे। अगर आपका जो आप लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं तो पीछे अगर सामने आपके टीचर बैठा हुआ है आपका मूल्यांकन कर रहा है, तो वो आपके प्रस्तावना प्रश्न से ही आपका मूल्यांकन सबसे ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रस्तावना प्रश्न सबसे पहले मैं बता दूँ 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा क्रिया। छात्राध्यापक कथन में छात्राध्यापक, जैसे कि आप अगर छात्राध्यापक हैं तो यहाँ पर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे अपना प्रकरण निकलवाने के लिए, और छात्र छात्रा अपना पूर्व ज्ञान का उपयोग करके उसका आंसर देंगे, उत्तर देंगे। तो यहाँ पे मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना उत्तर निकलवा सकते हैं, यानी कि प्रकरण निकलवा सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें 5 से 6 प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है बच्चों जमीन के अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं या फिर निकाली जाती हैं, तो बच्चे बताएंगे पानी, सोना, चांदी, तेल, कोयला इत्यादि। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनाइए, सोना, चांदी, कोयले को क्या कहते हैं, तो इन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं, छात्र छात्राएँ बताएंगी। और तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, इन्हें हम लोग खनिज पदार्थ क्यों कहते हैं,
तो छात्र इसका संभावित उत्तर दे सकते हैं, और नहीं दे पाएंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न। एक बार फिर से देख लीजिए प्रस्तावना प्रश्न पूरा देख लीजिए पूरा, यहाँ पे इसमें प्रस्तावना प्रश्न दिख रहा है। प्रस्तावना प्रश्न लिखने के बाद आपको लिखना होता है हेडिंग उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है छात्रों आज हम लोग खनिज हमारे खनिज और खाने नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हम चलते हैं अपने लेसन प्लान के प्रस्तुतिकरण की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हेडिंग लिखना होता है, और प्रस्तुतिकरण ऐसे पेज पर बनाए जैसे दोनों पेज यहाँ पे देख सकते हैं, दो पेज मिला के मैंने प्रस्तुतिकरण को कंप्लीट किया है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण में पांच हेडिंग होती है, पांच हेडिंग को एक पेज पे लिखना चाहेंगे तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हो जाएंगी और समझ में नहीं आएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, जिससे इसको ऐसे पेज पर लिखिए जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। सामने सामने दो पेज हैं, यहाँ पर पहले पेज पर शिक्षण बिंदु हेडिंग है और छात्राध्यापक कथन हेडिंग है, दूसरे पेज पर यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया शिक्षण विधियाँ और सैंपल कार्य तीन हेडिंग है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले प्रस्तुतिकरण इस तरीके से हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद शिक्षण बिंदु लिखिए हेडिंग में, और छात्राध्यापक कथन यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में सबसे पहले लिखिए छात्राध्यापक छात्रों के समक्ष खनिज पदार्थों का चार्ट जो बना के ले गए हैं आप उसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिखाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक देखेंगे उसको, ये प्रदर्शन विधि थी, आप प्रदर्शन के द्वारा इसको दिखा रहे थे तो यहाँ पर प्रदर्शन विधि लिख दीजिए। उसके बाद नीचे आइए यहाँ पर देख लीजिए शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है खान, यानी कि जिसको इंग्लिश में माइन कहते हैं, उसके बारे में लिखिए। एक खान या खदान ऐसी जगह होती है जहाँ कोयला हीरा सोना चांदी आदि प्राप्त करने के लिए जमीन के नीचे गहरे गड्ढे यानी कि छेद या सुरंग बनाए जाते हैं। छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना वही छात्र छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे या सुनेंगे। अब उसके बाद श्यामपट कार्य लास्ट में यहाँ पर आता है पाँचवा कॉलम, उसमें लिखना है खनिज पदार्थ खानों से निकाले जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखना है नीचे खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए छात्राध्यापक कथन उसकी व्याख्या देगा। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है, कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ जैसे हैं यहाँ पे लोहा कोयला सोना आदि। अब खनिज पदार्थों के प्रकार देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया, खनिज पदार्थ मूलतः तीन प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है छात्र खनिज पदार्थों के प्रकारों को समझेंगे। व्याख्यान विधि थी तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख दीजिए, और लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है सैंपट कार्य पे कोयला झारखंड बिहार में ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है या फिर निकाला जाता है वहाँ पे। अब सबसे पहले फिर आ जाइए यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में, यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है भारत में सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड तथा बिहार में पाया जाता है। भारत में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है जहाँ कोलार कुट्टी और ऊटी नामक सोने की खदानें मौजूद हैं। छात्र छात्रा क्रिया में आपको वही लिखना है छात्र छात्रा खनिज के प्रकारों को समझेंगे या और बाकी सारी चीज़ें सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी, अब नीचे यहाँ पे देख लीजिए सैंपट कार्य पे लिखना है आपको सोना कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये था यहाँ पे देख लीजिए प्रस्तुतिकरण, एक बार फिर से पूरा देख लीजिए। वीडियो को रोक लिया करिए, अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है तो वीडियो को रोक के देख लिया करिए, फिर उसके बाद उसको लिखने के बाद प्ले कर दिया करिए। एक बार मैं फिर से आपको छात्राध्यापक कथन यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये धीरे धीरे करके देख लीजिए, सबसे यहाँ पे ऊपर से देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आपने देख लिया। अब प्रस्तुतिकरण के बाद हम बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान के पुनरावृत्ति के प्रश्न की तरफ। पुनरावृत्ति का प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया, पुनरावृत्ति का प्रश्न उसके नीचे लिखा गया आपको दिख रहा होगा मूल्यांकन प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि पुनरावृत्ति का प्रश्न और मूल्यांकन का प्रश्न देखने में एक जैसा लगता है, उनकी कठिनाई का जो लेवल होता है वो भी एक समान होता है और प्रश्नों की संख्या भी समान होती है, तो इनको अलग अलग हेडिंग्स के अंतर्गत क्यों लिखा जाता है। तो लगभग मैं आज तक जितनी वीडियो मैंने अपने चैनल रोशन की क्लास पर अपलोड की है सभी वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ जरूर बताया, फिर भी मुझे नहीं पता है कि आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं, तो इसलिए मैं लगभग सभी वीडियोज़ में कोई भी इन्फॉर्मेशन छोड़ता नहीं हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे पुनरावृत्ति का प्रश्न मैं बता दूँ आपको, इसलिए पूछा जाता है कि बच्चों का ध्यान 40 मिनट की क्लास में, आप अगर अपने आप को छात्र समझ लीजिए तो 40 मिनट की क्लास है तो उसमें 5-10 मिनट ऐसा जरूर जाता है क्लास का जब आप बोरियत महसूस करते हैं और आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ से भटकने लगता है। तो अच्छे शिक्षक की निशानी होती है कि जब आपका ध्यान भटकने लगे तो उसको वो समझ सके और उसी समय कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिससे छात्रों का ध्यान शिक्षक की तरफ फिर से केंद्रित हो सके। तो जिसलिए यहाँ पर मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ लेना चाहिए छात्राध्यापक को, और मैक्सिमम इसमें 3 से 4 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला है प्रश्न खान किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है सोने की खानें किन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और उसके बाद आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि मूल्यांकन का प्रश्न छात्राध्यापक अपने लिए अपना मूल्यांकन करने के लिए बच्चों से प्रश्न पूछता है कि 40 मिनट की क्लास में जो उसने पढ़ाया वो बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर उसको उसके पूछे गए प्रश्नों का आंसर बच्चे सभी बच्चे लगभग दे पा रहे हैं
तो उसके पढ़ाने के तरीके में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छाई है। अगर कोई भी बच्चा उसके पढ़ा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो ये उसको समझ लेना चाहिए कि उसके उसने जो आज की 40 मिनट की क्लास में पढ़ाया उसमें कुछ ना कुछ कमी रही है जिससे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर देख लीजिए पहला प्रश्न है खनिज पदार्थ कहाँ से निकाले जाते हैं, और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर खनिज पदार्थ किसे कहते हैं। अब मूल्यांकन के प्रश्न के बाद सबसे लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य का इंग्लिश वर्जन को इंग्लिश में कहते हैं हम होमवर्क, और सभी को पता होगा गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को घर से करके लाने के लिए, या फिर कोई चीज़ याद करने के लिए दिए हैं तो उसको याद करके बोला जाता है कि आप इसको याद करके लाइएगा, कल की क्लास में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए गृह कार्य में दिया गया है मिलान करने के लिए, एक साइड पहला सेक्शन दे दिया गया, दूसरा सेक्शन दे दिया गया। अब पहले सेक्शन को दूसरे सेक्शन से मिलाना है कि सही है कौन सा सेक्शन किससे मिलता है। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला है खनिज पदार्थ को, तो खनिज पदार्थ को किससे आप मैच करेंगे देख लीजिए, अभी मैं बता देता हूँ इसका आंसर। खनिज पदार्थ को मैच करेंगे खानों से। कोयला है पहले सेक्शन में तो कोयला देख लीजिए, दूसरे सेक्शन में भी तो कोयला को कोयला से मैच नहीं करेंगे। कोयला कहाँ पाया जाता है इससे मैच करना था, तो कोयला यहाँ पे देख लीजिए दूसरे सेक्शन में झारखंड से में पाया जाता है तो झारखंड से मैच कर दीजिए। अब उसके बाद आता है कर्नाटक, कर्नाटक में सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो सोने को मैच कर दीजिए। और लास्ट में आता है बिहार, बिहार में कोयला पाया जाता है तो कोयले से मैच कर दीजिए। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान, गृह कार्य के साथ हमारा आज का लेसन प्लान भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ऐसा करता हूँ आज का लेसन प्लान आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो को जरूर अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, और अगर आप लोगों को कोई कमी महसूस होती है इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे मैं अपनी वीडियोज में बनाई गई जो कमियां मैं छोड़ता हूँ उसको मैं अगली वीडियोज में दूर कर सकूँ। आप लोगों से भी मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे मैं आप लोगों को सीटेट टेट और सुपर टेट के भी कंटेंट यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ कुछ इंटरवल पे, तो उसके लिए भी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को से जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएँ जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके और वो भी सीटेट टेट और सुपर टेट पहली ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।